सो हेलो गाइस, सॉरी यार, वीडियो थोड़ा लेट हो गया। एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी था, पर आज का दिन काफ़ी स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि मैं लॉन्च कर रहा हूँ पाइथन का प्रोग्रामिंग कोर्स फ्री में ऑन यूट्यूब। इसमें मैं आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। काफ़ी इजी है पाइथन लैंग्वेज, आप कंपेयर करो बाकी लैंग्वेजेस से तो, क्योंकि अगर आप ऐसी लैंग्वेजेस देखते हो जैसे कि जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, सी हो गया, तो ये थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनके सिंटेक्स थोड़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए अगर आपको आप एक बिगनर हो और आपको स्टार्ट करना है, तो बेस्ट लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू मी इज़ पाइथन। इसलिए मैं पाइथन का कोर्स ही लॉन्च कर रहा हूँ। तो इस कोर्स में क्या क्या होगा? इस कोर्स में सबसे पहले तो मैंने जैसा बोला कि मैं आपको बेसिक से एंड तक हर एक चीज़ सिखाऊंगा। मैं कुछ जॉब इंटरव्यू क्वेश्चंस, जो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स करने के बाद जो कि क्वेश्चंस जो कि गूगल में और जो भी डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, मैं हैकर रैंक से लाऊंगा और मैं सॉल्व करूंगा उन क्वेश्चंस को, और इवन मैं आप लोग को दूंगा वो क्वेश्चंस एंड आप लोगों को भी सॉल्व करना होगा, ठीक है? पर ये अभी नहीं करेंगे हम लोग। आई थिंक सो ये 30th और 30th वीडियो पे हम डेटा स्ट्रक्चर तक पहुँचेंगे, या आई डोंट नो अभी। तो ये तो पहला फर्स्ट वीडियो ही है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंट फंक्शन के बारे में। तो ये पाइथन का सबसे बेसिक चीज़ है प्रिंट फंक्शन, और उसके बाद अगला जो वीडियो होगा मैं उसमें आपको डेटा टाइप्स के बारे में बताऊंगा और वेरिएबल्स के बारे में बताऊंगा। तो आज का वीडियो होगा प्रिंट फंक्शन पे। तो चलो कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और मैं बताता हूँ प्रिंट फंक्शन क्या होता है। हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हम सबसे पहले एक फोल्डर बनाएंगे। तो मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ पाइथन कोर्स नाम से। तो यहाँ पे आ रहा है कि फाइल एग्जिस्ट, ठीक है? तो हम बेसिकली इधर आ जाएंगे पाइथन कोर्स को। हम बेसिकली मैं इसके अंदर आ जाऊंगा और मैं इसको वीएस कोड पे लॉन्च कर दूंगा। हम फाइल बनाएंगे फर्स्ट प्रोग्राम डॉट पाई नाम की फाइल, ठीक है? और अब मैं स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्रोग्राम डॉट पाई में मैं आपको बेसिकली जैसा मैंने बोला है, मैं आपको प्रिंट फंक्शन के बारे में थोड़ा आइडिया दूंगा। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से मुझे कुछ लिखना है अपने बारे में और मैं चाहता हूँ कि कंप्यूटर वो एज आउटपुट प्रिंट करे, ठीक है? तो सपोज़ मैं चाहता हूँ कि कंप्यूटर ये चीज़ को प्रिंट आउटपुट दे, माय नेम इज़ गर्वांश मिश्रा, ठीक है? आई लव पाइथन, ठीक है? लेट्स से ऐसा कुछ है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ कंप्यूटर प्रिंट करे, तो मैं इसको एक बार रन करता हूँ तो मुझे एरर आ रहा है इनवैलिड सिंटेक्स का कि ये चीज़ रन हो ही नहीं सकती है। तो फिर अब क्या करें, इसलिए हम यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रिंट, इसको बेसिकली हमें इन्वर्टेड कॉमास में डालना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि मैंने कुछ डिक्लेयर नहीं किया है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा बेसिकली वेरिएबल्स के बारे में, तो उस चैप्टर में ये चीज़ कवर हो जाएगी। तो अभी के लिए बस आप प्रिंट फंक्शन को समझ लो। तो ये होता है प्रिंट फंक्शन बेसिकली। अब मैं अगर इसको प्रिंट करूँ तो एग्जैक्ट, मैं इसको वापस से करता हूँ, ये देखो आ गया, माई नेम इज़ गर्वांश मिश्रा, आई लव पाइथन। ये पूरी चीज़ जो यहाँ पे मैंने प्रिंट की है आ गई है ना। ये तो बहुत ही ईजी कमांड है। प्रिंट सबसे बेसिक चीज़ होती है। कोई भी आप लैंग्वेज में जाओगे, आपको सबसे पहले उस लैंग्वेज का जो भी प्रिंट, जैसे पाइथन में प्रिंट होता है
जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन होता है, जावा स्क्रिप्ट में अलग अलग होते हैं, कंसोल डॉट लॉग होता है। तो ऐसे ऐसे अलग चीज़ें होती हैं जिससे आप आउटपुट बेसिकली कर सकते हो। तो अगर ये प्रिंट फंक्शन है तो मैं यहाँ पे कमेंट यूज़ कर सकता हूँ, और मैं कमेंट में कमेंट क्या होता है बेसिकली, कमेंट वो चीज़ होती है जो कि मैं बेसिकली डिस्क्राइब कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने ये फ़ाइल बनाई है, ठीक है, और मैं यहाँ पे अपना नाम लिखना चाहता हूँ कि इस फाइल का ऑथर ऑथर नेम है गर्वांश मिश्रा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो मैंने कोई इन्वर्टेड कॉमास कुछ डाला ही नहीं है, तो और मैं इसको अगर रन करूँगा तो मेरे को कोई एरर भी नहीं दे रहा है ये, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि क्या होता है कि जो आपके कमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो कंप्यूटर ही होता है बेसिकली, तो वो कमेंट्स को इग्नोर कर देता है। वो बोलता है कि वो पहले चेक करता है कि कमेंट है, अगर उसका सिंटेक्स कमेंट से मैच हो रहा है, कमेंट का भी एक सिंटेक्स होता है, आप कमेंट ऐसे रैंडम नहीं लिख सकते। कमेंट के लिए या तो आपको हैश यूज़ करना पड़ेगा, हैश टैग जैसे मैंने अभी यूज़ किया है, फिर इसको हम सिंगल लाइन कमेंट भी कहते हैं, सिंगल लाइन कमेंट यूजिंग यूजिंग हैश टैग, ठीक है। और स्ट्रिंग लिटरल भी होता है एक, ऐसे भी आप लिख सकते हो उसको, ऑथर नेम ऑथर नेम गर्वांश मिश्रा। और अगर मैं इसको रन करूँ तो देखो ये तब भी चल रहा है और कोई एरर भी नहीं आ रहा। तो बेसिकली ये कर लो, और इवन फिर आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, डबल कोटेशन में, डबल इन्वर्टेड कॉमास में भी ले सकते हो। बेसिकली मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, कमेंट्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? देखो अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि यार कमेंट्स मतलब कमेंट्स का क्या ही फ़ायदा, ये तो बस ऐसे ही, लेकिन मैं बता दूँ कमेंट्स का बहुत एक्चुअली यूज़ होता है। अगर आप एक प्रोग्रामर हो और आप कोडिंग करते हो, आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, तो आपकी कंपनी वाले 100% आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो वो डेफिनेटली आपको बोलते होंगे कि कमेंट्स यूज़ करो, क्योंकि एक तो ये गुड प्रैक्टिस होती है, और कमेंट्स से किसी भी यूज़र या फिर व्यूअर बोल सकते हो, उसको पता चलता है कि हाँ यार ये जो चीज़ है बेसिकली एक सेकेंड, हाँ तो मैं बोल रहा था कि जो भी आपका व्यूअर होता है, जो आपका प्रोग्राम बेसिकली देख रहा है, आपका कोड देख रहा है, तो उसको बेसिकली पता चल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिखूँ, प्रिंट फंक्शन इज, मैं ऐसे लिख देता हूँ, प्रिंट फंक्शन प्रिंट फंक्शन इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग लेटर्स, वर्ड बोल सकते हो, टेक्स्ट एंड नंबर, और भी चीज़ें होती हैं, अभी के लिए टेक्स्ट एंड नंबर। आप प्रिंट से नंबर भी प्रिंट कर सकते हो, जैसे 20 20 आ जाएगा, और 20 मल्टीप्लाइड बाय 98, ऐसे आप, ये भी एक चीज़ होती है कि आप इसको कैलकुलेटर बना सकते हो। और सेकेंड वीडियो के बाद जो वैल्यू और डेटा टाइप्स मैं सिखाऊंगा, थर्ड वीडियो में हम एक मैं आपको एक पज़ल दूंगा, पज़ल नहीं सॉरी, एक क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने के लिए। तो बेसिकली हम थर्ड वीडियो में कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम थर्ड वीडियो में सीखेंगे कि कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं, बेसिक कैलकुलेटर, वो एडिशन भी करेगा, वो सब्ट्रैक्शन भी करेगा, ठीक है, थर्ड या फोर्थ वीडियो में। तो ये था आपका कमेंट्स और आपका प्रिंट फंक्शन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर माई पाइथन कोर्स एज वेल।
ठीक है, थैंक्स अ लॉट, बाय।